तीसरे फेज का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। आसानी से आप लोग एक क्लिक में एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चैनल पर नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन कर लीजिए। यदि अगर आप इस वीडियो को लैपटॉप या कंप्यूटर से देख रहे हो तो कोई बात नहीं, आप गूगल ओपन कर लो। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है ट्रेंड हिंदुस्तान, TREND HINDUSTAN, ठीक है, लिखकर आपको सर्च कर देना है ट्रेंड हिंदुस्तान लिखकर। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने फिर से एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। अब आपको यहां पर फर्स्ट वाले पेज पर ही क्लिक कर देना है, ठीक है, ट्रेंड हिंदुस्तान के फर्स्ट वाले पेज पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जो कुछ इस प्रकार का देखने को आपको मिल जाएगा। अब यहां पर आने के बाद आपको बहुत सारे यहां पर देखिए इस वेबसाइट पर एडमिशन, एग्जाम फॉर्म, परीक्षा रिजल्ट, मार्कशीट, डिग्रियां, सर्टिफिकेट, सभी इंफॉर्मेशन अपडेट्स किए जाते हैं, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पर जरूर आए। अब यहां पर मैं आपको आने के बाद यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, यहां पर देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी रेलवे। जी हां दोस्तों, रेलवे ने जारी की तीसरे चरण की परीक्षा का डेट। एडमिट कार्ड आप यहीं से चेक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी के इमेज पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पोस्टर पर क्लिक करोगे आपके सामने दो ऑप्शन यहां पर आएंगे, एक बंद करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो आपको बंद करने पर क्लिक कर देना, ठीक है, क्योंकि ये ऐड जो है हट जाएगा। अब यहां पर आने के बाद नीचे आना है, और नीचे आने के बाद मैंने यहां पर बहुत सारे मेहनतें करने के बाद यहां पर इस आर्टिकल में सारी जानकारी लिख दिया हूं। आप यहां पर इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं अच्छे से। एग्जाम से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन बताया गया है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन बताया गया, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मार्क्स कितना रहेगा, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल, यहां पर सारे अफेयर्स यहां पर बताए गए हैं, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा सेंटर आपका कहां पड़ने वाला है, किसमें कहां पर मतलब आपका सेंटर पड़ेगा, सारी जानकारी यहां पर अपडेट किया गया है। अब थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सर्वर वन सर्वर टू फटाफट डाउनलोड करिए जल्दी से जल्दी। ज्वाइन वाइज एडमिट कार्ड भी आप लोग यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। एग्जाम सीट भी यहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है आप लोग डाउनलोड करने का, फटाफट डाउनलोड करिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद परीक्षा का नाम मिलान करिएगा, पिता का नाम मिलान करिएगा, नेम ऑफ मदर्स ऑफ एग्जाम का मिलान करिएगा, लिंक सॉरी जेंडर अपना मिलान कर लीजिएगा कि आप किस जेंडर के हैं, मेल है फीमेल है, सब मिलान कर लीजिएगा। एग्जाम डेट, लोकेशन ऑफ एग्जाम सेंटर, रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए क्या है कि कई बार रजिस्ट्रेशन नंबर गलती होता है तो कई बार फोटो गलती होता है, कई बार सिग्नेचर गलती होते हैं, तो कई बार मदर्स एंड फादर्स का नेम गलती होता है। तो बहुत सारे गलतियां होती हैं जिसको लेकर जो है एडमिट कार्ड आप दोबारा से सुधार कर सकते हैं, पर आप मिलान करिएगा तभी तो सुधार करिएगा ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ओके। तो चलिए आप वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द। यहाँ से फटाफट आइए और डाउनलोड करिए जल्दी से जल्दी।